दिया था कि उसको फोन कट गया था जी। हाँ वो बात तो अब नहीं याद आ रही, मगर और भी बातें थी हैं बहरहाल जो मैंने करनी है। हाँ अच्छा क्यों, अच्छा बहरहाल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि चुप रहो, ठीक है चुप चुप हो जाओ। कोई एक तो कोई कहीं अल्लाह कहते फहाशी छुपाओ जब गलत जैसे हो रहा है, कोई अफेयर चल रहा है या गलत गलाजतें तुम कर रहे हो, कभी जुल्म मजलूम को नहीं कहा कि चुप रहो कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है। बात यह है कि फहाशी है इसको छुपाओ, इसके अलावा कुछ जो जुल्म हुए हैं तो वो तुम जुल्म जाहिर कर सकती हो, लेकिन बकायदा फोरम पे जाके जाहिर होना होता है जुल्म है, जिसके लिए दरख्वास्त देनी पड़ती है कि ये जुल्म मुझ पे हुआ उसका मुदावा कीजिए। बाकी ये कुरान और हदीस और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था वो तो यही था कि जो इस किस्म की बातें उसको ने इग्नोर किया, और लोगों को भी कहा जो केस आए भी उनको कहा खत्म करो, सिवाय इसके कि दोनों फरीक तस्लीम करने वाले हों। अब अगर एक एक फरीक फिर कहता है कि दूंगा नहीं वो तो नहीं, मगर मैंने जो सबूत दे दिए हैं वो तो क्लियर कट हैं, आप माने या ना माने। सबूत की बात नहीं है। आ सलम ने ये नहीं कहा था कि सबूत क्या है, आ सलम ने फरमाया कि दूसरा तस्लीम करता है, उसने कहा मैं तस्लीम नहीं करता, आसम ने उसके ऊपर आगे फिर कोई पेशकश नहीं की। तो मैं तो उतना ही कर सकता हूँ जितना नहीं तस्लीम कि की जो है। मैंने आपको आयतें भेज दी हैं, अल्लाह अल्लाह ये कहते हैं कि जब जुल्म हो ज्यादती हो तो इंसाफ के लिए, चाहे तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही देनी हो तो गवाही दो। सवाल यह है जुलम हो फिर लाभ हो दवाई देनी हो किसी का हक मारा जा रहा हो, लेकिन साथ ये भी है कि माँ बाप के खिलाफ मेरा हक कोई नहीं मारा जा रहा, 36 साल मेरे नहीं मारे गए, बहुत अच्छा हुआ ना जो मेरे साथ हुआ है। मारा गया, तुमने 36 साल सवाल नहीं उठाया हाँ? जो तुम्हें उठाना चाहिए था। नहीं उठाया तो ठीक है, यही गलती है ना मेरी। इस बात पे ये जो बात है ना हाँ इस बात के ऊपर तो गवाही चाहिए होती है, जो शरीयत गवाही चाहती है। नहीं जी नहीं, अल इस्लाम पे है, मैंने इस्लाम पे निकाल दिया। हाँ हाँ तो फिर आप अपनी वेबसाइट ठीक करें। हाँ चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर इस्लाम में है तो गलत है, मेरे पास हदीसें मौजूद हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत अगर दूसरा फरीक तस्लीम नहीं करता ना, तो चार गवाह चाहिए, अडल्ट्री में रेप में नहीं चाहिए। पहली बात ये कि वो उस बात में चार गवाह है, ठीक है, अडल्ट्री और में। एडल्ट्री में, ठीक है, चार गवाह है, चार गवाह ये है। अडल्ट्री नहीं है, ये रेप है। हमारी बात तो सुनो ना, हाँ दूसरी बात होगी रेप की। हाँ अगर एक शरीक ये कहता है कि मैंने रेप किया, अगर एक मर्द तस्लीम से एक आदमी आया आंसर के पास, उसने तस्लीम किया कि मैंने रेप किया एक औरत को, आंसर ने पूछा औरत से पूछो, अगर वो कहती है कि हाँ तो फिर इसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो सवाल ये है नहीं, औरत ने कि सबूत पेश किए थे, सवाल और सबूत पेश किए थे। सवाल ये है कि दोनों फरीकैन ना जो ना ना, गवाहियां आती हैं जब सबूत नहीं होते, मैंने सबूत पेश किए हैं। हाँ मुझे जो शरीयत पता है मैं तो वो बता रहा हूँ, जो तुम्हें शरीयत पता है उसका मुझे इलम नहीं, उसकी मैं तहकीक कर लूंगा वो क्या शरीयत है। जो मुझे पता है वो तो यही है कि दो तरह की सूरतें होती हैं, एक ये कि चार गवाह लाए जाएं, तीन तरह की होती हैं, अडल्ट्री में, अडल्ट्री ठीक में, है, रेप में नहीं, चार गवाह लाई जाए, अडल्ट्री उसमें में। नियम हाँ एडल्ट्री हो या रेप हो कोई दो हर सूरत नहीं एक ही है। नहीं ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, रेप हालांकि में। तुम ज्यादा जानती हो मेरे से हाँ मुझे भी ये पता नहीं, मैंने कहा मुझे पता है कि कुरान में सिर्फ अडल्ट्री में कहते हैं। मेरी फिर बात अपनी वेबसाइट ठीक करें, फिर क्या ये सुनो, गलत आप बातें हैं अपने। हाँ अगर वेबसाइट में गलत वेबसाइट में गलत बाहर, मैं बात है, कुरान का हवाला आपको कल भेज दूंगी। मेरी बात तो सुन लो ना पहले, हाँ अपनी ना बोली जो मैंने बात कंप्लीट की तो मोदी शुरू कर देती हो,
मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तीन सूरतें होती हैं, एक चार दीवार लाने की, एक सूरत में अच्छा ठीक है ठीक है, मगर मैंने जो सबूत पेश कर चुकी हूँ उसमें 12 लघवियात साबित हो रही है। आप तो कह रहे हैं मैंने लघवियात पे भी नहीं है औरतों से हटाना। मैं जितना मैं जानता हूँ उसमें ये है, बाकी रेप के लिए भी गवाहों की जरूरत है। अच्छा ठीक है, जो मैं खैर इसको नहीं आपसे एग्री कर रही, ठीक है वो मैं आपको सारे मैं नहीं आपको नहीं, कुरान पे लिखा हुआ है, कुरान में कुरान ऊपर आता है आपसे। मैं भी सुन्नत और हदीस पे भी मैं बात कर रही हूँ। अच्छा रेप को एक तरफ करें, इन जो गुफ्तगू हुए ईमेल्स और व्हाट्सएप चैट वो लखफिया तो क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट साबित हो रहे। देखो मैंने तुम्हें कल पिछली दफा भी कहा था कि इन इन अल्फाज में 275 दिन में बाकी मैंने वो भेजा है, मुझे वजाहत हो रहा है फ्रीक से भी पूछना होता ना क्या कहा उसने। आपने कहा वो समझा रहा था आप और आपने एक बचकाना वाली बात मान ली। नहीं नहीं मुझे वो बताएं आपका जो लफंगा जो है साला उस, वो तो कह रहे मैं समझा रहा था। हाय कसम के खाने के क्या क्लियर कट किसी ने जो जिसने भी देखा है, जिसने भी देखा है वो चैट, वो कह रहे हैं कि क्लियर कट आपका ब्रिटिश कोर्ट कोई नहीं मानेगा। ये मैं बता दूं कि ब्रिटिश कोर्ट, अच्छा वैसे फिर अल्लाह रहम ही करे मैं ये बस कह सकती हूँ, ठीक है हाँ हाँ। बहरहाल वो आप ब्रिटिश हुकूमत के सुप्रीम हेड नहीं है, ब्रिटिश कोर्ट कोई नहीं मानेगी, कोई अदालत नहीं मानेगी कि इसमें लघवियात नहीं है। नहीं नहीं मैंने नहीं छोड़ना ये, आप सुनने मेरे से, मैंने किसी हाल और किसी सूरत में मैंने नहीं छोड़ना। तो आपकी नसीहत गलत है, इस्लाम के खिलाफ जाती है। नहीं दोबारा मैं जराऊंगी, मैं निदा हूँ चचा मोदी नहीं हूँ, आपने बैत से निकालने तो आप निकालें। नहीं क्योंकि मुझे लगता है खुद फंसे हुए हैं, मुझे नहीं पता आप क्यों फंसे हुए हैं और मैं आपके लिए मुस्तकिल बिल्कुल लग रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज हैं फॉर सम रीजन। फिर नहीं खुदा का नहीं, अगर ऐसा फंसे ना होते आप ये बातें ना कर रहे होते, ये आपको जेब ही नहीं दे रही हजरत साहब ये बातें। नहीं नहीं मैं बैत में मैं नहीं, वो मेरा वो आप मेरे पे वो नहीं कर सकते जबरदस्ती, वो मैंने फैसला करना, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। मुझे मेरे सारे चॉइसेस मेरे सामने हैं और जब ये मेरे को जानने वाला हफिंगटन पोस्ट में काम करते हैं, ये जब दुनिया में खुलेगा सारा मामला फिर आप हैंडल कर लेना जो भी हैंडल करना होगा आपने। क्या हाँ फिर क्या होगा? नहीं जी ये आपके दिल के बुलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, बिल्कुल नहीं, ये आपकी खुशफहमी है, ये आपकी खुशफहमी है। तो
नहीं मैंने मेरी मुझे भार पे जाए मेरी इज्जत, ये लोग तो भुगते हैं अपनी सजाएं, चाहे उसमें मैं खुद नहीं 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 देखे नहीं कि नहीं उन्होंने अपनी मौतों की मोरें लगा ली हैं मुझे हाथ लगा के, तो ठीक है देखेंगे ठीक है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि मेरे मेरे अंदर क्या स्पेशल, मैंने तो आपको खत में लिखा हुआ है कि जो आपके पैरों के नीचे मिट्टी है मैं तो उसके बराबर ही नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं दावा किया हजरत साहब के मैं स्पेशल हूँ, आपने इस लफंगे को खुदा बनाया है जो सारी जमात को आपने दाव पे लगाई हुई है इस लफंगे के खातिर। आप हकायक के खिलाफ जा रहे हैं जब सबूत मैंने दे चुकी हूँ। एक एक जो ईमेल है उसमें सिर्फ एक फिक्रा है कि गलत किस्म का, और उसपे भी तुमने जवाब दिया हुआ है अपना अपना आप करने का, लेकिन इससे उससे उस फिक्रे से उन्हें कहा कि खुद से किया या किसी और से, क्या मतलब है इसका? नहीं मगर ये तो साबित हो रहा है कि ये जो लफंगा है वो इस काबिल ही नहीं है, जो नाजिर असलाव शाह बना हुआ है इस सीट के काबिल नहीं है वो आदमी वो दरिंदा। सेक्सुअल नहीं नहीं वो मैं मेरे नाजिर मैं उनके अंडर आती हूँ, सेक्सुअल हरेसमेंट तो हो रही है प्लीज, ये नहीं आपको बातें जेब देती हैं उनकी क्लियर कट जवाब हसन जब हाँ ये भी मैंने लोगों को बताया बगैर आपका नाम लिया है कि किसी ने कहा कि तो बचपन में तुमको गुस्सा चढ़ता था कोई तो इतना हंस के लोट पोट होने लगा था कि बिस सीट से गिरने लगा था, आपका तमस्कर होगा ये बातें जब निकलेंगी। देखो जो जो भी करना था हाँ हाँ तो आप इंसाफ नहीं आप मुझे यकीन कर रहे थे जब ये आदमी ने एंट्री मारे, आपने मेरे बाबा वाली बात पे भी यकीन किया, आपने चचा बशीर वाली बात पे यकीन किया और आपने कहा मैं यकीन कर रहा हूँ, आपने नहीं नहीं सुने एक सेकंड नहीं तो सवाल नहीं अच्छा उसका भी मैं जवाब देती हूँ, आपने इन्वेस्टिगेशन तब क्यों शुरू किया है जब ये जो खोता है आपका साला वो एंट्री उसने मार रहे, वो आपने उस वक्त इन्वेस्टिगेशन ही क्यों शुरू किया 3 मार्च को जब मैंने आपको बताया इंसाफ का तकाजा वो बनता था, ये नहीं बनता था जब आपका खत दाव पे लगा हुआ है इस वक्त। तो फिर नहीं फिर एक्टिंग हो रही है क्या? आप रो रहे हैं, आप कह रहे हैं तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, तुम ये हो रहे हैं, तो फिर आप दोगला बन कर रहे हैं। बस मेरी मर्जी जैसे आप अपनी गलत मर्जियां कर रहे हैं मेरी मर्जी, मैं नहीं आपकी बहस से निकलूंगी क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं निकलूं और आप ये लड़की निकली है मेरी बहस से, ये मैं आपको हाँ हाँ जी मुझे बैत का मतलब पता है, अलीजेंस लेना किसी का, क्या करना अलीजेंस देना अपना, अलीजेंस देना नहीं बैत का मतलब होता है जो बैत से निकला है जो उर्दू का लफ्ज है उसका मतलब बेच देना अपने आप को। इधर तो काफी कुछ बेचा हुआ है, इधर जो एक कंजर खाना खुला हुआ है हाथे खास में वो तो एक रेड जोन एरिया खुला हुआ है, हाँ आमिर लगा हुआ है, डॉक्टर मुबशर लगे हुए हैं, महमूद शाह लगा हुआ है, पूरा रेड लाइट एरिया बना हुआ है गया था खास। आमिर भाई के मैं कई दफा बात बता चुकी हूँ क्या कहूँ, क्लियर कट बात नहीं कर रही हूँ, उनको इरेक्शन नहीं हुई तो मैं भागी उधर से, हाँ तो वो सिस्टम नहीं जब हुआ जब काम तो मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी कि या शुक्र खरा के नफल पड़े या अल्लाह इस दफा तुमने मुझे बचा दिया। मैंने तो नहीं पेश किया, तुमने खुद मुझे किसने मैंने कब कहा कि मैंने आमिर भाई को पेश किया, मुझे एक दफा बताया मेरा ये जुमला था तुम्हारे 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 तुम्हारे
वो काबिल नहीं। तुमने कहा कि मैंने कब कहा था कि मैंने वो उसको देखा नहीं, वो तो इस काबिल ही नहीं कि ताल्लुक कायम कर सके, क्या कर सके? वो इस काबिल नहीं है कि ताल्लुक कायम कर सके। तुमने मुझे बताया था पिछली को, मैंने ये, क्योंकि मुझे ये, मैं इरेक्शन का लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहती थी, इतना शर्म हया मेरे अंदर है कि खलीफा वक्त के सामने किस जुमले में बोलने। मैं वो उन्होंने मुझे एक तरफ अपने घर लेके गए, कोशिश की, नहीं वो कुदरती तौर पे कामयाब हुई और मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी। कुछ इंटरनेट पे रिसर्च करें, मेरी थेरेपिस्ट, हर कोई साइकोलॉजिस्ट कहेगा कि हर विक्टिम का एक अपना रिस्पॉन्स होता है। मेरा रिस्पॉन्स है कि मैं फ्री, हाँ मैं डॉक्टर की कर रही हूँ, मैं थेरेपिस्ट की कर रही हूँ, जो आपने खुद आपने मेरा जिस इलाज शुरू किया, और वो टॉप की थेरेपिस्ट है, और वो कह रही है तुम ऐसी विक्टिम हो जो तुम फ्रीज कर लेती थी, तुम अपनी हिफाजत ही नहीं, 1 साल का बच्चा मोलेस्ट हो रहा है और फिर 8 साल की उम्र, नहीं नहीं मुझे नहीं, मुझे 1 सेकेंड, ठीक है, हाँ। वापस मैंने बता दिया, फिर मुझे हसब इस वक्त आप मुझे पता समझ नहीं आ रही कि मैं एडुकेटेड आदमी से बात कर रही हूँ या क्या, कि 1 साल का बच्चा किसी के चुंगल में है, 8 साल से रेप हो रहा है, कई हफ्ते में कई मरतबा हो रहे, मैं माउफ हो चुकी थी, मैं आपको लिख चुकी हूँ कि मैं इतनी माउफ थी कि कभी मैंने अपने लिए दुआ तक नहीं की थी। हाँ वो पिंजरा टूटे या कम माच को जब आखिरी दफा इस आदमी ने मेरी से खुशी छीन की कोशिश की, फिर मैं वो फटी हूं जैसे उल्टी आती, मैंने 2-3 खतों में लिखा है मुझे उस दिन उल्टी आई है। अगर मैंने, अगर ये प्री प्लान होता तो मैंने बाबा, हाँ नहीं, इनको सजाएं, सजाएं नहीं बनती, ये आप कह रहे हैं कि सजाएं नहीं बनती आपके नजदीक। अच्छा फिर ब्रिटिश कोर्ट फैसला करेगी किसने वो किया है जुर्म और किसने नहीं किया, ठीक है, और आपके भी सारे जो आपने भी बातें की हैं वो भी आके आएंगी। बस नहीं, बस ठीक है, बस ठीक है हसब, आप खुद ये पर नहीं, आप खुद इस मामला इस तरफ लेके जा रहे हैं, और आपको पता है मेरा व्हाट्सएप पे भी वैसे मैसेज वायरल कर हो गया है, और सारी दुनिया मेरी साइड ले रही है, सारे कह रहे हैं कि ये लड़की ठीक बोल रही है, कम से कम कोई तो बोले। ना 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 नहीं, सारे तंग है इस निजाम से, ये जो छूटा मुनाफों वाला निजाम है, ठीक है, वो सारे तंग है। चांदी नहीं प्यारे हुजूर, आप इतनी मायूम मासूम इस वक्त आप मुझे लग रहे हैं भोले, कि आपको लग रहे हैं कि नहीं नहीं जो मुखलिस, जो मुखलिस आंटी है, जो मुखलिस आंटी है, नहीं, बिल्कुल क्यों, आप कौन होते हैं, कह नहीं, सारे मुखलिस वो सारे बेजार हो चुके हैं कि रेप हो, ये हो, फलाना हो, मेजरमेंट पे अखराज हो रहे, रोटी पे अखराज हो रहे, मगर रेप पे नहीं हो रहा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, हाँ ठीक है, फिर देखी जाएगी, फिर जब वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं जाऊंगी फिर रिएक्शन देखते हैं, और फिर जिसने भी भुगतना है वो भुगते। ठीक है, तो फिर उसके सबूत के जमाती निजाम जो तुम्हारे, मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर जमाती निजाम अपने कवायद के उससे जो तुम्हारे तले करेगा वो मैं फिर उसको कहूंगा, ठीक है, जो मर्जी करना चाहते हो करो। हाँ ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, जो आपने करने, मुझे कोई, मैं सिर्फ अल्लाह का खौफ रख रही हूँ उस वक्त, मुझे आपसे कोई डर नहीं है। नहीं नहीं इनको क्यों नहीं कहते, इन लफंगों को क्यों नहीं कहता है कि लफंगे तुमने क्यों ये बातें की हैं, आपके आपके कंधों पे चढ़ के वो औरतों को रेप कर रहे हैं, आपने इतनी ताकत दी है, ये कुछ नहीं था, बाकी जिंदगी में वो गोबर से भी बदतर था,
आपने इस आदमी को ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि अब आप भी उसके सामने काम रहे हैं। हाँ, ये तो नहीं कि एक टेरर की हुई है रवा में और वो जो मर्जी करे। अब अत्तर भाई का लोग ये नहीं कहते कि अत्तर भाई को मर्डर करवाया है, क्योंकि उस मामा जी के साथ अफेयर चल रहा था। क्या बातें, मैं बताऊं, मेरा मुंह ना खुलवाए इस वक्त। क्या अब आम बातें करती हैं आप इसको प्रोटेक्ट करने अपनी बीवी की वजह से मैं किसी वजह से नहीं कर रहा। बिल्कुल कर रहे हैं। चलो हाँ, और ये भी मैंने कहना है कि आपके पास मैंने गई थी चाचा बना के, मैं गई थी एज अ खलीफा वक्त, आपका कोई राइट नहीं था खाली सबूई को बताना, कोई राइट नहीं था। अब बाबा वाली बात, क्या बाबा वाली बात, कौन सी बाबा वाली बात? आप, मैंने पूछा था आपको कि आपने खाली सबूई या चाचा फूरी को बताया है, आपने कहा हाँ सबूई को मैंने बता दिया, फूरी को नहीं बताया। फूरी का क्यों तुम पूछ रही हो? क्या चीज यही पापा वाला मामला। सवाल से पहले 10 आदमी को पता था? क्या? 10 आदमी को पता था उससे पहले मामला? नहीं, ना ना, मैंने पूछा था कि आपने बताया खाला सुबुई को और आपने कहा था हाँ। ठीक है, वो तो मेरा राइट था बताना मेरा राज, आपको क्या राइट था खाला सुबुई को बताना? ठीक है वो, बट इट वॉज माई सीक्रेट टू टेल, नॉट योर सीक्रेट। ये बिसाइड द पॉइंट है, खबर पहुंच चुकी थी नहीं पहुंच चुकी थी आपने क्यों बताया? पहले किसी को कुछ पता हो बताया जाता था, बाकी मेरा, मैंने भी ये देखना है कि आप बताना क्या नहीं बताना, तो नहीं, आपका बिल्कुल राइट नहीं है इस खलीफा वक्त। आप, मैं मिर्जा मसरूर अहमद के पास नहीं गई थी, मैं खलीफत मसीह खामिस अहदा ताला बिन असल अजीज के पास गई थी। नहीं, आपकी गलत, हम जब बैत करते हैं जो कह रहे हैं बेचने वाली बात, हम कहते हैं हम आपका मारूफ हुक्म मानेंगे, ये मारूफ नहीं है। हाँ वो ठीक है, वो अल्लाह डिसाइड करेगा। रखे गलत कर रही हो तो फिर आप इतने मुझे चुप क्यों करवा रहे हैं? फिर रिलैक्स करें, फिर लानत आएगी मेरे पे। नहीं, इज्जत ये किसी, सारे हंस रहे हैं इस पे, हंस रहे हैं इस पे, कहना कि इसमें इज्जत है, आपका तमस्कर हो रहा है। नहीं, चांदनी लोग रहे, दुनिया हंसेगी आप पे। हाँ, आप, मेरे नाना ने आपको एक चीज मुकम्मल तौर पे पकड़ाई थी, हाँ आप अगर उसको तबाह करने में तुले हुए, ये आपका फैसला है। जो भी, जो नीचे चली जा रहे पकड़ाया, तो वो जो आखिरी जो जो आदमी था वो मेरे नाना थे, ठीक है, उन्होंने एक मुकम्मल तौर पे चीज पकड़ाई है जो आप उसको तोड़ने में तुले हुए हैं। और हर खलीफा में नहीं, कोई नहीं, और अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो आप क्यों, आपने बाबा के वक्त क्यों नहीं पूछा उस वक्त मुझे सवाल? इन्वेस्टिगेशन ये नहीं होता कि एक तरफा खामोशी से इन्वेस्टिगेशन चलता है, पुलिस स्टेशन जाओ तो दोनों पार्टीज को पता होता है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नहीं जी, नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन का तरीका गलत है, रूल्स के खिलाफ जाता है। हाँ तो आप गलत करनी, हाँ वो सिंपल सी बात है। हाँ
हाँ, और आपने आपने और दूसरी बात यह है कि आप, मैंने कभी एक दफा नहीं कहा था कि मेरे फादर फिगर बने, आप खुद ने, आपने उस स्टेप पे आए थे, आपने अम्मी को कहा था वो मेरा बच्चा है, मैं मेरे बच्चे को कैसे छोड़ती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा था कि आप मेरे बाप बने ना, वैसे अब मुझे कोई शौक भी रहा है। मेरे लिए फख्र की बात यही है कि मैं मिर्ज़ा ताहिर अहमद की नवासी हूँ। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी हाँ अच्छी बात है, सबसे हाँ अच्छी बात कौन सी हो सकती हाँ है। मेरा बहन अम्मी नवासी हो, हाँ तुमने, तुम्हारी उम्मीद ने खुद कहा था मुझे कि क्योंकि निराश होती है, कहती है मुझे छोड़ना है, छोड़ सकते हैं। उस वक्त मुझे प्यार था आपसे। अब मेरा को सारे लोग जो आप बातें कर चुके हैं, आप मेरी नजरों से कट चुके हैं। तुम्हारे अपने फोन थे, तुमने यही कहा था, इसलिए मैंने कहा था कि तुम मैं बच्चों की तरह हो, यही तो मैं कहता रहा। हाँ तो नहीं, हाँ, मगर आप जो एक अमल में आप यही आप कह रहे थे, आपने उस्मान को कहा है कि निदा को किसी किस्म की अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो उसके ऊपर गुजर चुकी है, ठीक है। आपका रवैया बिल्कुल और था शुरू में, अब गप्पन को ना मारें। हाँ, आपके खतों में साबित होते। और दूसरा, मैं ये सीधा आपके मुंह में एक कह रही हूँ, फाते दारी यसरा को हाथ लगाई तो आप उसको माफ करें, जो आप कह रहे हैं बाबा ने शायद माफी मांग ली हो। माशाल्लाह, आप कह रहे हैं कि मैंने जब मजार का मैंने पूछा, आपने कहा कि वो शायद उसने अल्लाह से माफी मांग ली हो, तो मैं क्या पता। तो एक आदमी मर्डर कमिट कर ले, यूसुफ को कत्ल कर ले, आप कहेंगे सॉरी, हाँ ठीक है, उससे गलती होगी। सवाल ये नहीं है, हाँ तुम्हारे जो मामला है ना, हाँ उसको देखो, माफी मांगनी होगी, जो सो हालात सामने आए। हाँ मैंने कहा है बार पॉसिबिलिटी देखी जाती है, ये भी हो सकता है, ये भी होता है, इमकान अच्छा, अगर आप बाबा, आपने 3 मार्च को अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, खुदा की कसम खाए मेरे पास। एग्जैक्टली, बस यही आपकी गप बकरी जा रही है इसमें। हाँ, नहीं, इन्वेस्टिगेशन आपने इस लफंगे के वक्त शुरू किया है। पिछली दफा आपने कहा कि मैंने उसको खत लिखा, भाई उसका जवाब ही नहीं आया, आपकी किसी बात पे कंसिस्टेंसी ही नहीं है। और उसने मुझे पैगाम किया, जुबानी पैगाम उसका आ गया था, ठीक है, उसके बाद खत लिखा और खत का जवाब भी आ गया। नहीं, कब आपने खत लिखा था पहली दफा? ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। नहीं, जो दुनिया के असूल है उसके मुताबिक करनी है। हाँ, तो फिर आपके असूल बड़े नाइंसाफ हैं, साफ सी बात है, ठीक है। और मेरी मर्जी। हाँ 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 बस जैसे आप अपनी मर्जियां करें, क्योंकि मैं ये आपको नहीं दूंगी बहाना कि इस लड़की ने मुझे छोड़े, मैंने नहीं इसको छोड़ा, छोड़ेंगे आप। मैंने आपको खत में लिखा है, क्योंकि मैं आपकी वेल विशर हूं, मैं आपके लिए अच्छा चाहती हूँ, आप माने ना माने मुझे कोई जरूरत नहीं साबित करने के लिए, मुझे पता है मैं क्या दुआएं कर रही हूँ आजकल, ठीक है। मेरी दुआ यही है, सुनने मेरी दुआ भी सुनने, मैं अल्लाह को कह रही हूँ अगर मैं गलत हूँ, अगर ये निदानी है, बेवकूफी है, मेरी ना अकली है, तो मुझे रोक ले, मेरे होंठ सीधे जैसे 28 फरवरी तक सी हुए थे, फिर रोक पैदा कर ले। हाँ ठीक है, मगर जितनी मैं दुआ करती हूँ उतना मेरा मैं इतना मेरा मतलब तसल्ली मुझे होती है। और दूसरा, ये भी कोई तरीका नहीं है, ये जो आपने कस्में कर ली है, कस्में एक वो, क्योंकि एक तो मुल्क फर्क है, तो जूम में होनी चाहिए मेरे नज़दीक, और उनका एक गवाह होना चाहिए, मेरा गवाह होना चाहिए, और आप तो ये आपने क्यों ये तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल किया? नहीं, इसका जवाब दें मुझे, अल्लाह को जवाब तो देते हैं। हाँ आप
हाँ, तो आपको आपको खुदा को हजर नजर रख के हजर साहब कहें कि आप जो इस वक्त कर रहे हैं वो आपको लगता है सही कर रहे हैं। अस्तगफुल्लाह साहब, ये जेब इसे धोने का दिल चाह रहे आपके लिए कि ये जेब नहीं देती आपको बातें ना। दूसरी बात ये है कि मतलब जब ये जो आप कह रहे थे, एक और ये बात है कि आप कह रहे थे तुम्हारे मशीर कौन है, ये भी पसंद नहीं आप मेरे पास कर रहे थे कि तुम तुम्हारे आप कह रहे थे तुमको मशवरे दे रहा है कोई, ठीक है ठीक है। और मैं जे ये क्या, ये किस किस्म की बजानिया, कभी आप कह रहे थे टाइपिंग कर रही हो, खुद मुझे उस कुछ महीनों पहले डांट रहे थे कि बजानी ना करो, तो खुद क्यों कर रहे हैं? अपने असूल, अपने लिए असूल और दूसरों के लिए और। मैं तो शिवायत के ऊपर एक सवाल किया था तुम्हारे से, तुम कहती हो नहीं है कोई, तो फिर ठीक है, पता लग गया कि नहीं है, पता लग हाँ, गया कि नहीं है। और आपके तो भी मशवरे जो भी है, माफिया है जो चल रही है वो शायद आप उससे डर रहे हों, मुझे कतन डर नहीं है उन लोगों से, वो चाहे मुझे मार दें, आप हिटमैन हायर कर लें और कत्ल कर लें, मुझे कोई गर्ज नहीं है इससे, मैं नहीं डरूंगी, मैं सिर्फ अल्लाह से डर रही हूँ इस वक्त। हाँ, और बस एक में मैं देख रही हूँ मेरी पॉइंट साथ साथ एक मिनट। हाँ, एक ये भी पॉइंट है मेरा कि चचा रफी अब्बा और दादा के भाई थे और हजरत मुस्लिम माऊद आपके जो नाना थे उनके बेटे थे, मगर इन दोनों भाइयों ने इंसाफ का तकाजा किया था चचा के बारे में। और हाँ, ये भी जो आपने एक मैसेज का जिक्र किया था कि मैंने वो इस पागल आदमी महमूद शाह को जो लिखा था और मैंने कहा मैं हिकमत कर रही थी, तो फिर अगर आप कह रहे थे कि आप 200 पाउंड बाबा को भेज रहे हैं वो आप हिकमत कर रहे हैं, तो मैं नहीं हिकमत कर सकती एक कि मुझे डर लग रहा था, मुझे मैं एक टैक्टफुली एक मैसेज कर रही थी अपनी तरफ से, टैक्टफुली एक मैसेज कर रही थी, हिकमत कर रही थी अपनी तरफ से अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आपने तो इस आदमी को जो एक कंजर खाना खोला हुआ है इधर, ठीक है, वो तो ताकतें आपने दी हैं उसको, और सारा आम अहमदी ये कह रहे हैं, आम अहमदी, ये आप पता है जिस बबल में आप रहने हैं, अल्लाह मैं तो यही दुआ करी हूँ अल्लाह आपकी आंखें खोल दे। हाँ आमीन हाँ आमीन। क्योंकि आप, मुझे नहीं पता आपने इस आदमी को खुदा क्यों बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब्बा की जिंदगी में वो कुछ नहीं था, वो जीरो था, वो मेरी जूती के नोक पे भी नहीं था, वैसे तो अभी भी नहीं मेरी जूती के नोक पे, ठीक है, आपने उसको बड़ी स्टेटस दिया हुआ है और मैंने एविडेंस दे दिया है, वो आप माने ना माने वो एविडेंस कॉन्क्रीट है कि ये लफियात बातें वो कर रहे हैं, चाहे मैंने इनिशिएट किया, और आपको एक 70 साल के आप हजरत साहब एक तजुर्बा मत वाले आदमी है, खिलाफत को एक तरफ करें, ठीक। नहीं, आपको है कि मेरा घर बच जाए, अब अपने घर पे एक तलवार लटकी हुई है ना, ये आपको असर। हाँ, तो ये इसी आप दूसरों को बुली करते हैं कि चुप रहो चुप रहो, और मिजनिया बुली करेंगे। हाँ, आप तो बुली हैं, फिर आपकी नेकी पे अल्लाह रहम करे अगर ये नेकी है। हाँ ठीक है, और दूसरी बात ये है कि नहीं, हाँ वापस इन्वेस्टिगेशन पे, बाबा को लिखना कि खनोने जो भी आपने वर्ड यूज किए वो इल्जाम लगाए हैं, दैट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, दैट्स नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। मुझे खुदा की कसम खाई कि जब बाबा की बात आई शुरू थी आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, खुदा की कसम खाए। चचा बशीर को कब सवाल किया है? चचा बशीर को नहीं, तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है जब ये लफंगा बीच में आया है। आपने के हाथ में कोई बात होती है तो आगे बात
बात चलाता है। तो आपने एक ओफ अल्लाह से हजरत साहब आपने एक दफा मुझे नहीं पूछा मेरे एविडेंस, मैं कह रही हूँ खतों में एविडेंस है एविडेंस है, फिर भी नहीं पूछे, फिर मैंने आपके ऊपर ठोसे हैं मेरे एविडेंस। दूसरी बात ये है कि फहाशी अगर दब रही थी तो दबने देना चाहिए थी। नहीं और दूसरी नहीं दूसरी बात आपने कहा था कि निदा मैं एक लफ्ज़ नहीं तुम्हारे खिलाफ सुनने में नहीं क्या, ये सारे दावे जो थे वो खेत चले गए फपरे थे। अच्छा हाँ नहीं इसके फपरे थे फपर अपनी आपकी तरफ से। हाँ जो एक लड़की के साथ जो जुल्म हो चुके जो बाप कर रहा था वो जो कर रहा था माँ ने भी नहीं हिफाजत की और जिसको वैसे ट्रस्ट इश्यूज हैं और फिर आप उसको ऐसे थक्के मार रहे हैं, ये आपको बहुत फख्र हो रहा है इस बात पे मेरे साथ ये सलूक करके? आपकी जमीर जमीर आपको ये इजाजत दे रही है कि मजलूम के साथ आप ये कर रहे हैं? साहब मुझे नहीं पता आप क्यों फंसे हुए हैं किस चुंगल में, मगर मैं बहुत शिद्दत से आपके लिए दुआ करूंगी। नहीं नहीं मैं मेरे हकूक के लिए फाइट कर रही हूँ, वो मेरा हक है, जो वो आप भी नहीं छीन सकते, जो अल्लाह ने मुझे हक दिया है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी दिया है, कानून ने दिया है और दीन ने मुझे दिया है, वो आप मेरे हाथों से नहीं छीन सकते। और अगर आप चाहते हैं कि मैं खामोश हूं तो मुझे गिच्ची से पकड़ें और गन लें और मेरी कन पट्टी पे मार दें। अच्छा। हाँ क्योंकि ये नहीं मगर यही होता है, या दुबई में सेटअप दे देते हैं लोगों को उजमा बाजी की तरह, या ऐसे चुप करवा दें जैसे मैं आपको नहीं पता आप किसको किससे अंडर एस्टिमेट मुझे कर रहे हैं। हाँ मैं किसी सूरत पे आपका काम जिस गद्दी में आप बैठे हुए हैं आपका काम है उसमें इंसाफ दिलाना। हाँ और चचा बशर के वो जो सारे वो, अच्छा दूसरी बात ये है कि इतनी सख्तियां डंडे लगा रहे हो, जिसको डंडा उसको डंडा, मुझे धमकियां दे दी गर्मियों में, मैंने कहा ट्विटर का मैंने सिर्फ ऑब्जर्व करना, मैंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना, तो आपने कहा था अगर तुम अपना वक्फ काम में रखना चाहती हो तो कर लो सोशल मीडिया अकाउंट्स, वरना नहीं। बाबा जो फोंकी जा रहे हैं ट्विटर पे उनको क्यों नहीं डंडा मारते? नहीं आप देखिए एक और इनकंसिस्टेंसी आ गई है, जब मैंने ये पहले जिक्र किया था आपने कहा था मैं सारों को कह चुका हूँ वो मेरी बात नहीं मान रहा मैं क्या करूं, अब एक और इनकंसिस्टेंसी आ गई, अब कम से कम कंसिस्टेंट तो रहे हजरत साहब। हाँ और दूसरी बात है कि आप कह रहे थे ये जो बचपन के अपोस्ट्रफीज कोर्ट अन कोर्ट जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, जब कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही होती है इतना तो लीगैलिटीज मुझे भी पता है कि प्रोसिक्यूशन को विटनेस लिस्ट दिया जाता है और डिफेंस को विटनेस लिस्ट दिया जाता है, तो आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि कौन मेरे बारे में कौन बोल रहा है? नहीं कौन है वो बचपन के दोस्त? हाँ एग्जैक्टली कि अब तो आप ये केस फेयरली चला रहे ही नहीं है, कोई दुनिया में नहीं मानेगा, प्लीज अपनी इज्जत बचाएं हजरत साहब। हाँ अच्छा बहरहाल ये ऐसे नहीं होते, विटनेस लिस्ट दिए जाते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन जो आप चला रहे हैं जो महमूद खोता शाह जो है उसके वजह से जो आप चेंज हुए हैं, आप एक बंदे की वजह से आपने सारी जमात हमारे 130 साल का मेहनत दाव पे लगाया है, क्यों दाव पे लगाया है? हजरत मुसमाद हाँ ये जो मुझे उस वक्त आप पिछली दफा भी कहते चाँद को कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता, हजरत मुसमाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पैगाम क़यामत तक है, अगर जमात तकवे की राहों पे रहे तो बच जाएगा वरना नहीं बचेगा, फिर अल्लाह जमात को भी ख़त्म कर लेगी, पैगाम मेरा क़यामत तक रहेगा। अभी एक पेश हुई पूरी हो रही है नहाई छुपी हुई बात वाली। हाँ हाँ तो इस वक्त एज वी स्पीक
ये जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है हजरत मुसमत अलैहिस्सलाम की 1907 की पेशगोई पूरी हो रही है इस वक्त, क्यों? अगर इससे नहाई छुपी हुई बात है हजरत साहब, तो फिर उफ, मैं कहती हूँ क्या मता की हमारे ऊपर उस अलहम का। आपके नजदीक उस अलहम का क्या मतलब है? भेजा था ना, भेजा था ना, मैंने मैंने आपको भेजा था अलहम, नहाई छुपी हुई बात। नहीं, पर इससे इससे क्या नवाब मोहम्मद अली खान और हजरत उस्मान अलैहिस्सलाम की औलाद में क्या है और नहाई छुपी हुई बात? क्या छुपी हुई बात है फिर? इससे भी ज्यादा छुपी हुई? अच्छा ठीक है। बहरहाल और वो जो मैंने हदीस भेजी थी कि मैं अपनी जात का कसम खाता हूँ अंदर के लोग अब उठ रहे हैं, ये कोई से मैं कैसे आपको आपको कैसे आपको कोई हमदर्दी है मेरे साथ? हाँ अंदर के लोग, मैं सच के लिए खातिर मैं जंग लड़ रही हूँ इस वक्त एक अकेली लड़की, मैं मुनाफ़त नहीं कर सकती। नहीं 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 उस हदीस में लिखा है कि अंदर ये जो जो बहरिया बने हुए हैं, जो भी वुल्स कन के आते हैं और बड़े मीठे बने होते हैं, फिर अंदर के लोग उठेंगे उनको जाहिर करने के लिए। हाँ 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 तो जाहिर जाहिर शुरू हो गया। दूसरा आप ये अच्छा, आपने चचा फूरी से कोई बात की है, कन्फ्रंट किए उनके जो फ्लर्टेशन थे बड़े मुनासिब किस्म के? कोई नहीं किया फिर? ये किस ये ठीक है वो, मगर उनकी बातें थी काफी गलत। अच्छा ठीक है, गलत थी, तुमने खुद ही कह दिया था वो तो तेरे बात हुई थी और 2018। हाँ हाँ मगर ठीक है ठीक है, वो तो मैं वैसे ही क्वेश्चन था। ठीक है बहरहाल जो चचम बशर ने कुछ जवाब दिया आपको? अभी पहुंची ही नहीं, पैदल जा रहे? अच्छा और बाबा ने कोई जवाब दिए? बाबा ने जवाब दिए, बाबा हर बात का जनाई करता है, जनाई करते हैं। और आपने बिलीव कर लिया? मैं बिलीव नहीं करता, मैं तो उसकी पे रखता हूँ जो हदीस में मुझे नजर आएगी। नहीं मगर अच्छा ठीक है, मगर वो चाहे सही हो या गलत हो, झूठी गवाही तो उसके साथ गुनाह उसका हो उसके साथ। और छुट्टी के बाद जो इन ये लोग भी ले चुके हैं जो नानते हैं, वो भी उनके आगे आएंगी इंशाल्लाह। हाँ मैं तो बिल्कुल नहीं घबराई हुई, ये जो आप इतने घबराए हुए हैं, आप इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि आपको पता है निदा सच बोल रही हो और ये सारे लफंगों ने मेरे कमर में छुरियां मार दी हैं, बेवफाई कर ली है मेरे साथ। हाँ और नहीं तो बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना, बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना। ट्विटर कौन सा? जिसमें वो फोंक रहे हैं इस वक्त सारा वक्त ट्विटर पे, जो बाबा बोल ही जाते हैं और कुछ चुप ही नहीं करवा रहा। नहीं मुझे तो पिछली दफा कहा था कि मैंने सबको कहा है, वो मान रहा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर मुझे ना धमकियां दिया करें, फिर इंसाफ से धमकियां दिया करें। नहीं अस्तग़फ़ुल्लाह, ट्विटर पे मैंने क्लोज किया हुआ है मेरा अकाउंट, मैंने मेरा इंस्टाग्राम क्लोज कर लिया था, खुदा का खौफ करे हजरत साहब ये इतना बड़ा झूठ बोले। व्हाट्सएप पे जाते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं, नहीं 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 आपने व्हाट्सएप का नाम नहीं यूज किया था ना, नहीं गलत बात। हाँ ठीक है, हाँ।